judge and misjudge Mustafa! 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 बड़ी खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां एनएसयूआई के जरिए लगातार दूसरे दिन भी एमएचआरडी और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ धरना जारी रहा। जिस प्रकार से एमएचआरडी द्वारा विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सितंबर माह में करने के निर्देश दिए गए हैं, उसका एनएसयूआई विरोध कर रही है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की मांग है कि अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को भी पूर्व प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट किया जाए, साथ ही एक सेमेस्टर का शुल्क माफ किया जाए। इन दोनों मांगों को लेकर एनएसयूआई 14 जुलाई से डीएवी महाविद्यालय परिसर में धरने पर बैठी हुई है। छात्र डीएवी महाविद्यालय, जैसे कि आप सबको पता है, हमने 14 तारीख से यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है, जो कि हमारी छात्रों की शिक्षा के छात्रों को प्रमोट करने की मांग को लेकर हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आज हमारा लगातार दूसरे धरने का लगातार दूसरा दिन है और यह धरना अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा, जब तक कि छात्रों की मांगें पूरी नहीं हो जाती है। और साथ ही जो एक सेमेस्टर का शुल्क है समाज छात्रों का, यह भी हमारी मांग है कि सब समाज छात्रों का शुल्क माफ़ हो। और अगर यदि हमारी यह मांगें समय से पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में एनएसयूआई के छात्र भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वहीं धरने में एनएसयूआई कॉलेज प्रभारी हिमांशु रावत, उदित थपड़ियाल, वाशु शर्मा, उत्कर्ष जैन, सौरभ कुमार, सागर पुंडीर, कमल नेगी आदि छात्र मौजूद रहे। चाहे कहीं भी रहें, अपने शहर से जुड़े रहें और अपने शहर की हर खबर के लिए डाउनलोड करें लोकल लाइव ऐप गूगल प्ले पर उपलब्ध।